गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 12वीं ग्रह विज्ञान का पढ़ेंगे। ग्रह विज्ञान की इकाई 4 बा को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने इकाई 4 आ में पारिवारिक आय व्यय और बजट को पढ़ा था। चलिए आज हम पढ़ते हैं बचत। तो बचत क्या होती है इसको हम देखते हैं। बचत का अर्थ क्या है और बचत के महत्व क्या है इसको देखते हैं। परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए बचत करना आवश्यक है। जो व्यक्ति बचत नहीं करते उनको अचानक कोई काम आ जाए, कोई परेशानी, दुर्घटना हो जाए तो आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही बचत करनी चाहिए। या बचत को दूसरे शब्दों में भी ये भी बोल सकते हैं कि बचत मनुष्य की आय का वह भाग है जो वर्तमान आवश्यकताओं के लिए नहीं होता परंतु उनको भविष्य की आवश्यकताओं या भविष्य में आने वाले कार्यों के लिए सुरक्षित रखा जाता है, बचत कहलाता है। बच्चों आपने कहावत सुनी होगी कि बोल बोल से ही भरा होता है। तो उसी तरह हम छोटी छोटी राशियों को इकट्ठी करके भविष्य के लिए एक बड़ी राशि के रूप में उसको बचत कर सकते हैं जो हमारे आगे आने वाले समय में काम आएगी, है ना। आप समझ गए होंगे कि बचत क्या है। अब देखते हैं बच्चों कि बचत का अर्थ तो देख लिया, अब बचत का महत्व क्या है। तो बचत के महत्व में चार तरह से देख सकते हैं। पहला आर्थिक सुरक्षा, दूसरा आय में वृद्धि, तीसरा है अनावश्यक व्यय पर हो और चौथा है दीर्घकालीन उद्देश्यों की पूर्ति है। तो आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से बचत क्यों आवश्यक है आइए हम इसको देखते हैं। तो आर्थिक सुरक्षा में चार या पांच तरह के आपको पॉइंट दिख रहे हैं कि इनके लिए हम आर्थिक सुरक्षा हमको बचत से हमको सहयोग मिलता है। पहला है शारीरिक असमर्थता के वृद्धावस्था। जब व्यक्ति अशक्त हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, उस समय यह बचत उनके बहुत काम आती है और इस बचत के द्वारा व्यक्ति घर में नौकर चाकरों के माध्यम से या कुछ मशीनें जिससे कि अपनी शक्ति और श्रम की बचत होती है तो खरीद सकता है और उनका उपयोग कर सकता है। तो ये बचत से शारीरिक असमर्थता के समय ये बचत बहुत। दूसरा है वृद्धावस्था में आर्थिक संरक्षण। अक्सर देखा जाता है कि व्यक्ति की जब उम्र बढ़ती है वह वृद्धावस्था को पास करता है तो उनमें उपस्थित बीमारियां भी आ जाती है। तो उन बीमारियों के इलाज में यदि व्यक्ति के समक्ष कुछ आर्थिक समस्या है तो इस बचत के माध्यम से वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, जैसे इलाज कराना, दवा आदि पर खर्च कर सकता है। फिर है तीसरा है धनोपार्जन करने वाले व्यक्ति के मृत्यु हो जाने पर आर्थिक। अगर घर में जो मुखिया होता है उसकी अगर असमय या अकाल मृत्यु हो जाती है तो यह जो बचत होती है वह बचत परिवार के पालन पोषण और जीविकोपार्जन के बहुत काम आती है, जिससे व्यक्ति सम्मान पूर्वक जीवन जी सकता है। इस बचत को प्रयोग करके व्यक्ति सम्मान पूर्वक जीवन को जी सकता है। फिर है भविष्य में आवश्यकताओं की पूर्ति करने में यह बचत बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होती है। भविष्य की आवश्यकताओं से बच्चों आप समझ गए होंगे कि परिवार में अचानक कोई काम आ जाता है, जैसे बच्चों की शादी, ब्याह,
दूसरा है बच्चों आय में वृद्धि। तो बचत से आय में वृद्धि होती है और बचत की जो राशि है उसको हम अगर सही तरीके से उसका विनियोजन करते हैं तो हमको वह ब्याज के रूप में प्राप्त हो जाती है। और यह जो आय हमको प्राप्त होती है यह एक नियमित आय होती है जो हमको नियमित निरंतर प्राप्त होती है। अब हमको ब्याज तो प्राप्त होता है, हमारी आय भी बढ़ गई, पर हमारा मूलधन सुरक्षित रहता है। ऐसा नहीं कि अगर हम बचत करते हैं तो हमने जितनी राशि करी वो कम हो जाएगी, उसमें हमको ब्याज के द्वारा हमको अधिक राशि प्राप्त होती है जिससे हमारी आय में वृद्धि हो जाती है। तीसरा पढ़ा था अपन ने अनावश्यक व्यय पर रोक या प्रतिबंध। अगर हम में बचत की आदत है बच्चों तो हम फिजूल खर्ची नहीं करते हैं। बचत एक करना बहुत अच्छी आदत होती है। अगर ये जिसमें है बहुत अच्छा गुण है बचत का, उससे हम जो फिजूल खर्ची है अनावश्यक व्यय है उस पर प्रतिबंध भी लगता है। तो बचत के कारण परिवार में अनावश्यक व्यय पर रोक लग जाती है और कुछ राशि हम बचाकर रख सकते हैं। तो हम व्यय नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है हमारी राशि बचेगी, और व्यय करेंगे तो हमारे पास जितनी आय है वो भी कम पड़ी जाएगी। तो यहाँ पर महिलाओं को अपनी समझदारी का समझदारी दिखाना चाहिए कि किन कार्यों में व्यय करना आवश्यक है और जिन कार्यों में व्यय करना आवश्यक नहीं है तो उनको उन राशि को वह बचत कर सकती है। फिर इसका चौथा कारण है दीर्घकालीन उद्देश्यों की पूर्ति करना। जब आप बच्चियों, आपको पता होगा आप भी परिवार में हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, तो आपने देखा होगा कि जब परिवार में बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी आवश्यकताएं कम होती हैं, उनकी मांग कम होती है, और जब आवश्यकताएं कम होंगी तो स्वाभाविक है कि व्यय और खर्च भी कम होंगे। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं परिवार में तो उनकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, उनके खर्चे बढ़ते हैं, उनकी मांगें बढ़ती हैं, तो परिवार पर व्यय ज़्यादा होने लगता है और राशि भी अधिक खर्च होती है। या परिवार में अगर व्यक्ति बुजुर्ग है तो बुजुर्गों की देखभाल दवाई में भी ज़्यादा खर्च होते हैं। इसके लिए अगर हम बचत करते हैं तो भविष्य में हम कोई अगर बड़े काम करना चाहें तो उसमें बचत बहुत काम आती है। जैसे कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी शिक्षा पर अधिक खर्च कर सकते हैं। इसके साथ बच्चों की शादी करना, मकान बनवाना और जो घर में बच्चे हैं बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल करना, उनकी बीमारी में, उनकी इलाज में। इसके साथ साथ अगर हमको कोई महंगी वस्तु खरीदनी है, जैसे कार है महंगी आती है, परिवार के समक्ष अगर वो नहीं खरीद सकते हैं तो वो अपनी बचत के द्वारा छोटी छोटी बचत करके वो एक बड़ी राशि बन जाएगी, तो उससे वो महंगी वस्तुओं को आसानी से खरीद सकते हैं। ये सब जब महिलाएं या परिवार जब बचत करेगा तभी ये कार्य आसानी से संभव होते हैं। बच्चों चलिए ये आज का ये यहीं पे समाप्त होता है और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने यह बहुत अच्छे से देखा होगा और इसके प्रश्नों के उत्तर आप कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे।